ये मालूम है कि जब हम एक आरटी सेट करते हैं एक्सपोर्ट, तो जितनी प्रीफिक्स होती हैं सब पे कॉमन सेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने आरटी सेट की थी, तो यहाँ पर 50 पर भी और 45 पर भी सेम लग गई। अगर हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, दोनों की दोनों नेटवर्क चलेंगे, जबकि हमने एक नेटवर्क ही वहाँ पे भेजने का है। तो क्या करने का, यहाँ पे कॉन 50 पे जाएंगे और एक बनाएंगे हम। पहले हम देख लें R1 के ऊपर जो प्रीफिक्सेस हैं कौन कौन सी मौजूद हैं। शो IP राउट VRF। अब इस VRF के अंदर हम देखें VRF आपके पास ऊपर है कितना, B। यहाँ पे 8 की 32 से और 88 की भी 32 से। दूसरी जो नेटवर्क है आपके पास VRF A, दोनों ही ये भी 32 से मौजूद हैं। तो जिस तरह से मौजूद हैं वैसे ही अपने बनाने का है। तो R1 पे कॉन्फिक्टी पे जाने के बाद हम बनाएंगे IP प्रीफिक्स लिस्ट। अब प्रीफिक्स लिस्ट आपने जो बनानी है, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने भेजना है किसको, आर ये क्या नाम है, 7 को भेजना है। और 7 कहाँ मौजूद है, 7 यहाँ मौजूद है। तो 7 की नेटवर्क को भेजना है किसके ऊपर, R5 के ऊपर है। तो ये R और ये 7 और डैश R5 ऐसे बना लें ताकि याद रहे 7 5 पे जा रहा है। परमिट किसको परमिट करना है, 7 वाले को। तो 7.7.7.7/32 इसको हमने ये बना लिया एक को। अच्छा, अब दूसरा आपके पास जो जाने वाला है आपके पास वो जाने वाला है 77 का। तो 77 का कहाँ जाने वाला है, 77 का जाएगा इसके अंदर 6 के अंदर। तो यहां पर इसको R6 कर लें पीछे और यहां कर दें परमिट 77 77 77 77 32। दो लाइन ये बन गई। अच्छा, अब ये तो बनी किसके लिए, इन दोनों के लिए, ऊपर वालों के लिए। ठीक है, तो अब ऊपर वालों के लिए हम बनाएंगे यहां पे IP प्रीफिक्स लिस्ट। अब यहां पर जो 8 है, ये 8 किस में जाने वाली है, ये जाने वाली है किसके अंदर, 5 के अंदर जाने वाली है। तो R8, ये इसी तरह के उल्टे सीधे नाम सीसी आई के लैब में आ रहे होते हैं, इसी में टाइम लगा था, थोड़ा सा आसान काम है करना। और ये 5 में जाएगी परमिट। तो यहां कर दिया 8888/32। और दूसरी जो नेटवर्क जाने वाली है वो जाएगी आपके पास 88 की नेटवर्क, किस में जाएगी, इधर 6 में आने वाली है। तो यहाँ पे 86 कर दिया परमिट कर दिया 88 88 88, और ये 88/32। अब ये हमने प्रीफिक्स बना ली यानी मैचिंग करने के लिए। हम क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे हम राउट हाइफन मैप। अब वो एक राउट मैप आपके पास जो VRF है आपके पास, एक तो VRF A में लगेगा राउट मैप, तो उसका नाम सिंपल सा डाल दें राउट मैप VRF और लेट्स ये डाल दें, एक तो राउट मैप यहाँ लगने का। मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट यानी VRF के अंदर, इसके अंदर हम बना रहे हैं VRF A बना रहे हैं, उसका नाम IP एड्रेस। अब प्रीफिक्स लिस्ट, अब यहाँ प्रीफिक्स लिस्ट में हमने एक बनाई है, हमें भेजना है 7 को किसके पास, 5 के पास। तो यहाँ हम क्या कर दें, कॉल किसको कर लें, R7 और ये R5, इसको हमने कॉल कर लिया, यानी जो इसके लिए बनाई थी और इसके लिए इसको कॉल कर लिया इसके अंदर VRF A के अंदर। एक और नेटवर्क, अब इस पे सेट क्या करना है, इस पे हमने एक सेट कर दिया सेट एक्सटेंडेड कम्युनिटी और यहां पे RT। अब यहां पे जो हम RT सेट कर रहे हैं इसको कहां भेजने का, 7 को इस पे भेजने का, लेट्स से 7:5 इस वाले को भेजना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 7:5 कर लिया इसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरा जो आपके पास है, ये तो था आपके पास जो राउट में बनाया हमने, अब यहां कर लें आपके पास परमिट 20, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, परमिट 10 होता है।
यहाँ पे क्या करना, मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट इसी की दूसरी नेटवर्क यानी 77 की नेटवर्क, वो कहाँ जानी है? 77 की नेटवर्क कहाँ जानी है? 77 जानी है किसके ऊपर? 6 के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, आर और क्या नाम रखा था उसका, 7, और एक नाम हमने ये रखा हुआ R6, इसको यहाँ कॉल कर लिया, यानी जो यहाँ पर जानी है उसको यहाँ पर कॉल कर लिया हमने। इसके ऊपर क्या करना है, सेट एक्सटेंडेड कम्युनिटी RT। अब इसके ऊपर वो 7:5 नहीं लगाना, इसके ऊपर लगा दें अब 7:6 लगा दें, अलग सेट कर दिया हमने। तो ये VRF A के अंदर जो बना अभी, जो हमने क्या बनाया, ये बना आपके पास शो IP प्रीफिक्स लिस्ट, एक चीज तो ये बनी। तो यहां जो प्रीफिक्स लिस्ट हमने बनाई, एक लिस्ट ये बनाई, इसके ऊपर हमने जो सेट किया वो सेट किया 7:6 जो एक्सपोर्ट सेट किया हमने RT। और आपके पास दूसरे पे हमने जो सेट किया वो क्या सेट किया हमने, 7:5 के ऊपर 7:5 सेट कर दिया, जो हमने कहां सेट किया, शो राउट मैप के अंदर, शो राउट मैप के अंदर हमने RT ये सेट कर दिया यहां पे। अब इसको कॉल करना है किसके अंदर, VRF के अंदर। तो कॉन्फ़िग टी में हम जाएंगे, कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद हम लिखेंगे IP VRF और VRF A। तो यहां पे RD तो ऑलरेडी सेट है, इंपोर्ट भी सेट है दूसरों के लिए, यानी इसके लिए इंपोर्ट भी ऑलरेडी सेट है, हमें एक्सपोर्ट सेट करना है सिर्फ। तो यहां लिखेंगे हम एक्सपोर्ट मैप, और एक्सपोर्ट मैप का नाम ये दैट इज द नेम ऑफ द यानी VRF। अब यहां से सेंड कम्युनिटी करना है इसके लिए, यह वहां पहुंच जाना चाहिए। तो यहां पर आपके पास एग्जिट किया हमने, एग्जिट करने के बाद हमने क्या किया, राउटर आपके पास BGP 100, एड्रेस फैमिली VPN V4 यूनिकास्ट, और आपके पास नेबर 4.4.4.4, और सेंड कम्युनिटी एक्सटेंड। पॉज तो पहले ही गया होगा जो ये पड़ी होती, बट इसको प्रैक्टिस में रखें CCI के लैब के अकॉर्डिंग। तो अब जो नेटवर्क है, 7 की नेटवर्क तो 5 में जानी चाहिए, और ये नेटवर्क कहाँ जानी चाहिए, यहाँ, यानी 7 की नेटवर्क VRF Y में डिस्प्ले होनी चाहिए, किसके ऊपर, R4 के ऊपर। R4 पे जाते हैं, शो IP BGP VPN ऑल, क्लियर कर दें अगर नहीं पहुंची है तो, क्लियर IP BGP स्टार। R1 पर तक वो देख लेते हैं, शो IP VRF डिटेल के अंदर कि आपने जो मैप लगाया है उस पर वैल्यू क्या आ रही है। VRFA में आपने RD तो ही सेट की, दैट इज द लोकल है। एक इंपोर्ट में आपने 67 यानी 6 वाले को यहां कॉल किया, एक्सपोर्ट में आपने ये लगाया VRFA, यहां पे अप्लाई कर दिया एक्सपोर्ट में आपने। R4 पे आते हैं, R4 शो IP VGP VPN ऑल, आ क्यों नहीं रही है, बताएगा R4 पे क्यों नहीं आ रही है, इंपोर्ट नहीं है। इतने सारे पार्ट ने IP कॉन्फ़िग तो है, लेकिन सिक्स वो वी लग गया, इसका मतलब 6 मानता है वो ना। IP VRF और ये आपके पास Y, तो IP VRF आपके पास VRF Y, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है राउट टारगेट इंपोर्ट, यहाँ इंपोर्ट क्या करना है, 7:5 करना है। और दूसरी जो आपके पास बी है, एक्स है नेटवर्क, इसमें क्या करना है, यहाँ इंपोर्ट करना है 7:6 यहाँ इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पहुँचना चाहिए इसको,
इसमें एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट तो हो चुका, ये वाली नेटवर्क जा चुकी है, इम्पोर्ट ही तो करना है, ये वाली नेटवर्क यहाँ जा चुकी है, इसको यहाँ एक्सपोर्ट किया हमने, इसकी एक नेटवर्क यहाँ आनी चाहिए, एक नेटवर्क यहाँ आनी चाहिए। आ जाए उसके बाद दूसरा काम करते हैं। R1 में जाते हैं, R1 के अंदर शो MPLS फॉरवर्डिंग, क्या उसमें आए कि नहीं आए, क्या गलती है कहीं बताएगा। शो MPLS फॉरवर्डिंग माने कमांड चलाया, क्या गलती है, BGP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है इस वाले पार्ट के। चलो ठीक है, गलतियाँ हो रही हैं, समझ में भी आ रही हैं क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट अगर किया होता तो एग्रीगेट और अनटैग आना चाहिए था, ब्रैकेट में यहाँ पे वी लिखा होना चाहिए, जो कि नहीं है। जबकि R4 में अगर हम देखेंगे तो शो MPLS फॉरवर्डिंग में वहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट अगर ये आ रहा है इसका मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अगर नहीं आ रहा है रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो R1 में गए और R1 में जाने के बाद कॉन्फिग्री में चले गए और राउटर BGP और BGP कितना 100 एड्रेस फैमिली IPv4 IPv4 VRF और VRF का नाम VRF A और रिडिस्ट्रीब्यूट इसको करना है RIP को, बस इतना ही करना है। और ऊपर वाला जो नेटवर्क है वो है आपके पास VRF B है ऊपर, और ये है रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 10, अंदर 10 चल रहे हैं, और VRF B। अब ये यहाँ पे R1 पे फॉरवर्डिंग में आ जाने चाहिए, आगे फॉरवर्डिंग के अंदर छः आने चाहिए, 1 2 3 छः आने चाहिए, 3 उससे और 3 एग्रीगेट आगे जी। तो अब जब यहाँ पर आ गए तो इंशाल्लाह वही पहुँच गए होंगे R4 के ऊपर, तो R4 पे हम जाते हैं, R4 पे ही पहुंच चुके हैं। तो अगर हम देखें तो 7 की जो नेटवर्क है, ये वाली 7 की, ये किस में जानी चाहिए, ये Y के अंदर होनी चाहिए, 7 की नेटवर्क Y के अंदर ये आ गई, राइट। और वो दूसरी जो नेटवर्क है 77 की, वो X के अंदर होनी चाहिए, यानी ये नेटवर्क्स कहाँ पहुंच जाने चाहिए, या R5 पे आने चाहिए। तो R5 पे अगर हम जाते हैं, शो IP राउट और EIGRP, तो कोई भी नेटवर्क नहीं आई, व्हाट इज द रीजन,